तिवारीपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इलाहीबाग निवासी शातिर बदमाश मेहताब को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी मौका देखकर फरार हो गया। बदमाशों ने इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। पकड़े गए बदमाश पर लखनऊ पुलिस की ओर से 5,000 का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि मेहताब का एक गिरोह है जिसमें 4 सदस्य हैं। गिरोह के सदस्य लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 8 बजे तिवारीपुर एसओ सतप्रकाश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर बदमाश मेहताब अपने साथी के साथ चोरी की बाइक को लेकर नेपाल बेचने के लिए जा रहा है। पुलिस की टीम ने सूचना पर विश्वास कर डोमिनगढ़ में घेराबंदी कर दी। तभी दो युवक एक बाइक पर सवार होकर आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका तो वे टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। खुद को बचाते हुए पुलिस टीम ने इलाहीबाग निवासी महताब को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने महताब के पास से एक तमंचा और 2 बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ के अलावा दरोगा शमशीर अहमद, पुष्पेंद्र द्विवेदी, सिपाही श्रीप्रकाश यादव, सुधीर वर्मा और आनंद किशोर चौधरी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि बीते 15 अप्रैल को तिवारीपुर इलाके में के इलाहीबाग मोहल्ले से एक बाइक चोरी हुई थी। केस दर्ज कर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें बाइक चोरी कर ले जाते हुए मेहताब की तस्वीर कैद थी, जिसके बाद से ही पुलिस मेहताब की तलाश में थी। उसी चोरी की बाइक को लेकर मेहताब अपने साथी के साथ शुक्रवार को बेचने के लिए नेपाल जा रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, टोपी सब रखा हो ना बैठा होगा डांडा रहे तो चलो यार बैठा पहले तू बैठा नहीं डॉक्टरी वाला कौन लिया है पहले मेडिकल कराओ उसके बाद सीओ साहब चले कैसे बैठे हैं आगे। एक शातिर अपराधी महताब पुत्र अरशद अली थाना तिवारीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। ये लूट सही हत्या के मामलों में इसके पहले भी गिरफ्तार होकर के जेल गया था। लखनऊ के एक लूट के मामले में श्री सखी ज्वेलर्स के यहाँ लूट किया था, उसमें 5,000 रुपये का अभी भी 2014 से वांटेड चल रहा है, बराबर फरार था। इस बीच ये थाना तिवारी क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की चोरी करके लूट करने के लिए संसाधन अपने लिए तैयार कर रहा था। इसी क्रम में आज सुबह 8 बजे डोमिनगढ़ तिराहे के पास ये पकड़ा गया, जिसने पुलिस को उससे बचने के लिए फायर भी किया, जानलेवा गोली चलाई और जिसकी निशादेही पर उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, निशादेही पर एक मोटरसाइकिल और कुल 2 मोटरसाइकिलें उसके कब्जे से बरामद हुई हैं। यह शातिर अपराधी है जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इस पर 5,000 रुपये का लखनऊ से इनाम भी है।